अब बात महू की कर लेंगे, जहां महू के राजा गली निवासी नरेंद्र के सोने घर में लाखों रुपए की चोरी हो गई। जी हां, महू के बीचों बीच राजा गली निवासी नरेंद्र लोहारिया अपने परिवार के साथ घर पर ताला लगाकर चेन्नई गए हुए थे और उनके भाई ने बताया कि उनको एक व्यक्ति ने सूचना दी कि मेरे भाई के घर का ताला टूटा है। जिस पर मैंने जाकर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ पाया, जिसके बाद घर के भीतर जाकर देखा तो घर का सारा सामान भी बिखरा हुआ था और अलमारियों के लॉक टूटे हुए थे। वह इस बारे में मैंने अपने भाई से फोन पर बात की तो उसने बताया कि अलमारी में 10 से 20 और 50 रुपए के नोटों की फ्रेश गड्डी रखी थी, जो करीब 1 लाख रुपए नगद थे और सोने चांदी के भी कुछ आभूषण थे। जब वहां से देखा गया कि आभूषण और अलमारी में से सब कुछ गायब था, इसके बाद 1 लाख रुपए नगद और 1 लाख रुपए के आभूषण पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। आसपास के रहवासियों ने बताया कि जब हम सुबह उठे तो हमारे घरों के दरवाजे की बाहर से कुंडी लगी हुई थी। चोरों ने सोने घर का ताला तोड़ने से पहले ऐसा किया होगा और पूरे मामले की खबर महू पुलिस को दी गई, जिसके बाद अब पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ FIR दर्ज की है और तलाश शुरू कर दी है। महू से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। क्या मेरे ब्रदर सुनने गए हुए, उनकी पूरी फैमिली सुनने गई हुई है। मंगलवार को 16 तारीख को सुनने गए थे वो। तो मैं डेली सुबह आता हूँ, पेपर लेके जाता हूँ, डेली चेक करके जाता हूँ। कल भी 4 बजे आया था, रास्ते सामने बंशी भैया हुआ है कि आपका ताला टूटा हुआ है। हमने देखा कि ताला टूटा हुआ था, मेरे घर में ताला पड़ा हुआ है। फिर मैंने आया, अलमारियाँ खोली तो नीचे की दोनों अलमारी, एक अलमारी टूटी हुई है, सब सामान टोटल बिखरा हुआ है, पर्स सब खुला पड़ा है, वो कुछ भी नहीं है उसके लिए। करीब कितने की चोरी हुई? कम से कम उसमें 1 लाख रुपया का कैश था, उसमें 50,000 के फ्रेश पैकेट थे, न्यू पैकेट जो बैंक के जो होते हैं 50,000 के 50,000 वैसे थे, और चेन अंगूठी मंगलसूत्र वगैरह था। करीब करीब कितने की होनी चाहिए? 1.5 से 2 लाख मान लो आप, 2 लाख तो मान ही लो।